हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा 2.0। आज क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा किछि सिलेक्टेड कंप्यूटर एमसीक्यू जहाँकि आप मानकर समस्त ओडिशा एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। आमर एसएसटी, टीजीटी, जेटी, आरआई, एआरआई, अमीन अंगनवाड़ी सुपरभाइजर, ओडिशा सीजीएल, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, लाइफस्टॉक इंस्पेक्टर एंड ओएवीएस, ओडिशा आदर्श विद्यालय, समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो कहीं समस्त एग्जाम रे आपमानर कंप्यूटर क्वेश्चन आसे। तो ये होची मॉक टेस्ट नंबर 2, एथरे आम डिस्कशन करिबा टोटल 50 क्वेश्चन। आपण माने आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाइ पारिबे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। फर्स्ट क्वेश्चन रहिछ आपमानक पई, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इनसर्ट द करेंट डेट इन एक्सेल। से कहे एक्सेल रे करेंट डेट आम इनसर्ट करने कौ शॉर्टकट की यूज करवा। एक्सेल रे करेंट डेट को इनसर्ट करने बाहर करने आम कौ शॉर्टकट की यूज करवा। तो देखु आमर चार्टा ऑप्शन दे डायरेक्ट आंसर कही रखुच्छी। एक्सेल रे करेंट डेट को इनसर्ट करने शॉर्टकट यूज करवा कौन ना कंट्रोल प्लस सेमिकोलन मारे आम करेंट डेट को इनसर्ट कर पारिबा एक्सेल रे। तो कंट्रोल प्लस सेमिकोलन ऑप्शन नंबर ए हिजबा हमरो सटीक आंसर, कंट्रोल प्लस सेमिकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड फॉर ड्राइंग फ्री हैंड ग्राफिक्स और इमेज लाइक यूजिंग ए पेन और पेंसिल। से कहे आम कौ डिवाइस रे आम कौ डिवाइस को व्यवहार करके आम ड्राइंग फ्री हैंड कर पार ग्राफिक्स जेकोसी कि इमेज जो जमी आम पेन बा पेंसिल रे बनाऊंट। तो सेटा क्या द्वारा हो पार आम पेन पेन एंड पेंसिल रे आम जो ड्राइंग का इमेज आम बनाऊंट से भाया काम आम आउ कौ डिवाइस को यूज करके आम बन पार से पचारि। तो आम चार्टा ऑप्शन दे तो डिजिटाइजर अच्छी, माउस अच्छी, जॉयस्टिक अच्छी, ट्रैक बॉल अच्छी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए डिजिटाइजर, डिजिटाइजर ऑप्शन नंबर ए हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। व्हाट डज कंप्यूटर जार्गन, कंप्यूटर जार्गन WWW स्टैंड्स फॉर। तो से कहे WWW तीन टा डब्ल्यू आमर जो अच्छी ए तीन टार फुल फॉर्म हो वर्ल्ड वाइड वेब आपर कही कंप्यूटर जार्गन रे WWW चार टा डब्ल्यू फुल फॉर्म कौन हम से पचारि। चारिटा डब्ल्यू अच्छी तो तार फुल फॉर्म हो कौन से पचारि। तो आमर वर्ल्ड वाइड वेब वर्म, वर्ल्ड वाइड वेब वर्क, वर्ल्ड वाइड वेब वाना क्राई ना वर्ल्ड वाइड वेब उन्ड। तो ये आम कौन हो ना वर्ल्ड वाइड वेब वर्म ऑप्शन नंबर ए हम आम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन आईफोन इज। आईफोन रे को ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करा जाउछि। आईफोन रे आम यूज करा जाउछि आईओएस, आईओएस ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर WWW वर्ल्ड वाइड वेब रे आम कौ प्रोटोकॉल यूज करछंती। वर्ल्ड वाइड वेब WWW रे आम यूज करछंती कौ प्रोटोकॉल ना HTTP प्रोटोकॉल यूज करछंती। HTTP प्रोटोकॉल यूज करछंती ऑप्शन नंबर बी हेबा हमर सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। या भितर कौटा इनपुट डिवाइस नुहे, तो कौटा इनपुट नुहे माउस, बारकोड रीडर, कीबोर्ड और स्पीकर। तो कौटा नुहे से पचारि। तो माउस, बारकोड रीडर, कीबोर्ड ए तीन टा जाक होची इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौटा नुहे से पचारि। बाकी रहा स्पीकर, स्पीकर हूँ कौन आउटपुट डिवाइस। तो कौटा नुहे स्पीकरटा नुहे आउ स्पीकर हूँ आउटपुट, इनपुट नुहे आउ ऑप्शन नंबर डी हेजबा हमरो सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्विचिंग डिवाइस ऑफ फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर इज। तो या भितर कौटा फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर से पचारि। फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर कौटा यूज करा जाउछि से पचारि। तो आमर कौन यूज करा जाउछि वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी ना VLSI। तो कौन यूज करा जाउछि VLSI, VLSI फुल फॉर्म होउछि भेरी लार्ज स्केल इंटेग्रेशन। VLSI फुल फॉर्म मत पचारूँ VLSI फुल फॉर्म होउछि वेरी लार्ज स्केल इंटेग्रेशन।
तो आमर VLSI यूज होची फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट रहिची द फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को किए डेवलप करथिले, किए निर्माण करथिले, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किए बनैथिले से पचारिची। तो आटनसब, बिल गेट्स, सिमुर क्रे ना विंटर सर्फ। तो किए करथिले ना जेवी आटनसब बनैथिले, फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनैथिले किए, जेवी आटनसब। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज लैंडस्केप। लैंडस्केप माने कौन से पचार, लैंडस्केप माने कौन, पेज ओरिएंटेशन ना पेपर साइज ना फॉन्ट स्टाइल ना पेज लेआउट। लैंडस्केप हूँ कौन ना लैंडस्केप हूँ आप पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन माने आम जो मोबाइल देखते मोबाइल ये देखुं यहाँ आप कौन एटा हूँ वर्टिकल एमती एटा कौन एटा वर्टिकल एटा कौन कह जाए आमर पोर्ट्रेट बोली कहुए पोर्ट्रेट कहुए आम मोबाइल टाक आम एमती रखुं आड़ुआ कर रखुं एमती रखिले ये कौन होटा कौन हो यहाँ लैंडस्केप बोली कहुए यहाँ कौन कहुए लैंडस्केप मोड बोली कहुए ये गुड़ा हूँ गोटे गोटे पेज ओरिएंटेशन यटा को लैंडस्केप कहुए सीधा रही पोर्ट्रेट कहुए पोर्ट्रेट मान कौन ना वर्टिकल आउ लैंडस्केप मान कौन ना हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। तो आप बुझे लैंडस्केप आउ पोर्ट्रेट एगुड़ा हूँ गोटे गोटे पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन नंबर ए हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंप्यूटर्स मेमोरी कंटेन्स द सिस्टम्स बुट सेक्टर फाइल। से कह कंप्यूटर मेमोरी आरे रही आम सिस्टम बुक सेक्टर फाइल, सिस्टम बुक सेक्टर फाइल को कौ मेमोरी आम रही था, राम रोम क्याच ना रजिस्टर। तो कौन से रोचे ना रोम रोच रीड ओनली मेमोरी रही था, ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा एआई रो जनक किए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो जनक किए, जॉन मैकार्थी, विलियम एस, डगलास कटिंग, एलन नेवल। तो करेक्ट आंसर होची जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल। से कहे स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल रो काम कौन, स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल रो काम कौन, चारिटा ऑप्शन देची करेक्ट स्पेलिंग एरर एज यू टाइप, इंडिकेट्स ग्रामाटिकल ग्रामाटिकल एरर, आइडेंटिफाई वर्ड्स विथ कैपिटलाइजेशन प्रॉब्लम, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल रो काम होची जे आमे टाइप कला बेले ए करेक्ट स्पेलिंग एरर्स एज यू टाइप आम जब टाइप करें स्पेलिंग किसी मिस्टेक हो मोबाइल व कंप्यूटर में तेल से आपको एरर देखे ये आम मिस्टेक अच्छे से लाइन रेड लाइन आपको बतेब ये आम मिस्टेक अच्छी सेमती अच्छी। तो आम से कौन कैर से स्पेलिंग एरर से बतेब टाइप कला बेल से देखेब तार काम सेटा। तापरे ग्रामाटिकल एरर को ग्रामाटिकल आम भूल करा भी सी इंडिकेट कर सहित आमर आम गोटे वार्ड लिखला बेले आम कैपिटल लेटर को यूज कराया दरकार आम मझे यूज कर दूसरी तो सहीटा मत सी इंडिकेट कर तुम प्रोब्लम अच्छे तुम कैपिटल लेटर लगे पार नहीं ये स्मल लगे एमती से आइडेंटिफाई कर। तो ये तीन टाक काम हो स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल रो। तो ऑप्शन नंबर डी होल अफ द एबोव, अल अफ द एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु फाउंडेड लिनक्स कर्नल। लिनक्स कर्नल किए फाउंड कर पचार। तो लिनक्स कर्नल फाउंडर किए केन थॉमसन, डेनिस रिचे, लाइनस टोरवाल्ड, लाइनस टोरवाल्ड, केन थॉमसन ना रिचर्ड स्टॉलमैन। तो लिनक्स कर्नल रो फाउंडर होचंती लाइनस टोरवाल्ड, ऑप्शन नंबर बी होची सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही गूगल क्रोम वाज लॉन्च्ड इन। गूगल क्रोम केबे लॉन्च होता कौ साल रे कौ मसीह 2006, 2007, 2008, 2009। तो गूगल क्रोम लॉन्च होता 2008 मसीह। नेक्स्ट रही कंपाइलर एंड ट्रांजिस्टर्स आर वन फॉर्म ऑफ डैश। कंपाइलर आउ ट्रांसलेटर सॉरी ट्रांसलेटर एगुटा कौन से पचार रोम राम सॉफ्टवेयर ना हार्ड डिस्क। कंपाइलर्स एंड ट्रांसलेटर्स एगुडा हूँ गोटे गोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, गोटे गोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है जीवा हमरो सटीक उत्तर। नेक्स्ट रही द सिटी डब्ड इंडिया आईटी कैपिटल इज। से कहे कौटा इंडिया आईटी कैपिटल भी कह जाए हैदराबाद ना कराची ना मुंबई ना बेंगलोर। इंडिया आईटी कैपिटल क्या कहुए ना बेंगलोर को कह जाए, ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर बेंगलोर।
ବାଙ୍ଗାଲୋର କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍। ତ ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଟେ, GB, KB, MB ନା TB? ତ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କେଉଁଟା ହେବ ନା ଆମର TB ବା ଟେରାବାଇଟ୍, ଟେରାବାଇଟ୍। ଫାଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ବାଇଟ୍ ଆସୁଛି, ତାପରେ କିଲୋ ବାଇଟ୍ ଆସୁଛି, KB ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର MB ଆସୁଛି, ମେଗା ବାଇଟ୍ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା TB ଆସୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ବାଇଟ୍, ତାପରେ କିଲୋ ବାଇଟ୍, ତାପରେ ଆମର ମେଗା ବାଇଟ୍, ତାପରେ ଆମର GG ଗିଗାବାଇଟ୍, ତାପରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି TB ଟେରାବାଇଟ୍। ତ ସବୁଠୁ ଛୋଟ କେଉଁଟା, ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଆମର ବାଇଟ୍ରେ ଆସିଲା, ବିଟ୍, ବିଟ୍ରୁ ବାଇଟ୍, ବାଇଟ୍ରୁ କିଲୋ ବାଇଟ୍, ଏମିତି ହେଇଛି। ତ ଆମର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପଛରେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟେରାବାଇଟ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, TB ବା ଟେରାବାଇଟ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚେକ୍ସ ଟୁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଦ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅପରେଟିଂସ୍ ଆର୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରପର୍ଲି। ସେ କହୁଛି ୟା ଭିତରୁ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚେକ୍ କରୁଛି, ଆମର କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚେକ୍ କରେ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅପରେଟିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ାକ ବରାବର କନେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପ୍ରପର୍ଲି କନେକ୍ଟ ହୋଇଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ବା ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ହୋଇପାରିବେ, କେଉଁଥିରେ ବୁଟିଂ, ପ୍ରୋସେସିଂ, ସେଭିଂ ନା ଏଡିଟିଂ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବୁଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୁଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱାଇଲ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭ୍ୟୁ। ସେ କହୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କିଛି ବ୍ରାଉଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାଉଜିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା, କେଉଁ ସର୍ଟ, କ'ଣ, କେଉଁ କି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା? ତ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମେ, ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା F11 ଆମେ ଫଙ୍କସନ୍ କିମ୍ବା ଫଙ୍କସନ୍ କି 11 ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭ୍ୟୁ କରିପାରିବା ବା ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, F11। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ପେରିଫେରାଲ୍ସ ଆର୍, ପେରିଫେରାଲ୍ ଗୁଡ଼ା, ପେରିଫେରାଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ପଚାରିଛି। ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ CPU, ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏଲୋନ୍, ଇନ୍ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏଲୋନ୍, ଇନ୍ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍। ତ ପେରିଫେରାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାହା କୁହାଯାଏ, ପେରିଫେରାଲ୍ କାହା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଇନ୍ପୁଟ୍ ଆସୁଛି, ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆସୁଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଇନ୍ପୁଟ୍, ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଏସବୁକୁ ମିଶାଇକି ପେରିଫେରାଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଡେସ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ କ୍ରାକର୍ସ। ତ କାହାକୁ କ୍ରାକର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ପଚାରିଛି, ଗ୍ରେ ହେଡ୍ ହ୍ୟାକର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଡ୍ ହ୍ୟାକର୍, ବ୍ଲୁ ହେଡ୍ ହ୍ୟାକର୍ ନା ବ୍ଲାକ୍ ହେଡ୍ ହ୍ୟାକର୍? ତ କାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାକର୍ସକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରାକର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ଅଥରାଇଜ୍ ସେମାନେ ଆକ୍ସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ, ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାକର୍ସ, ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅଲସୋ କ୍ରାକର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କୋର୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିନକ୍ସ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍? ଲିନକ୍ସ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର କୋର୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଏଡିଟର୍, କମାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍, ଟର୍ମିନାଲ୍ ନା କର୍ନର? ତ ଲିନକ୍ସ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର କୋର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କର୍ନର? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, କର୍ନର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଦ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ୱାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ। ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ କିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବା ବନେଇଛନ୍ତି ସେ ପଚାରିଛି। ତ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବନେଇଛି କିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ରବର୍ଟ ଗାସ୍କିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେନିସ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ରବର୍ଟ ଗାସ୍କିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେନିସ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ହାର୍ଡୱେର୍ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର? ସେ କହୁଛି ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ହାର୍ଡୱେର୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡୱେର୍ କେଉଁଟା ନୁହେଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ରହିଛି, ମନିଟର ରହିଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି, କିବୋର୍ଡ଼ ରହିଛି। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ହାର୍ଡୱେର୍ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ସେ ପଚାରିଛି। ତ ମନିଟର ତ ଆମର ହାର୍ଡୱେର୍ ଅଟେ, CPU ହାର୍ଡୱେର୍ ଅଟେ, କିବୋର୍ଡ଼ ହାର୍ଡୱେର୍ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁ ବା ହାତରେ ଧରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ନଟ୍ ଏ ହାର୍ଡୱେର୍। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ହାର୍ଡୱେର୍ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପର୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ପର୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ୱାନ୍ ନୋଟ୍,
सॉफ्ट डॉक्स ना माइक्रो डॉक्स ना वन ड्राइव तो कौन कह जाए ना वन ड्राइव बोली कह जाए माइक्रोसॉफ्ट रो पर्सनल स्टोरेज सर्विस को कौन कह जाए वन ड्राइव बोली कह जाए ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर वन ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द डेस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम से कह कंप्यूटर सिस्टम रो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन क्या कह जाए मेमोरी यूनिट कंट्रोल यूनिट ना इनपुट ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो कंप्यूटर सिस्टम रो हेड बा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होची सीपीयू जहाँ आम ब्रेन बोली कहते एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ आम ब्रेन कहते सी हूँ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट रही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज परफॉर्म्ड बाय से कहे आमर जेकोसी इनपुट को आउटपुट रे बदल परिवर्तन करिवार काम कहार तो इनपुट को आउटपुट रे बदल काम कहार से पचार सीपीयू रो ना इनपुट आउटपुट यूनिट रो ना मेमोरी यूनिट ना पेरिफेरल्स तो आमर इनपुट को आउटपुट रे परिवर्तन करिवार काम होची सीपीयू रो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रो तो ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल टू कनेक्ट द इंटरनेट से कहे इंटरनेट कनेक्ट पाई कोटा गोटे अत्यावश्यक नुहे मॉडर्न आईएसपी मॉडेम मॉडर्न नुह एटा हमर मॉडेम एमटा आपन मानकर एम ओ डी ई एम मॉडेम आईएसपी टेलीफोन लाइन वेब कैमरा तो देखु इंटरनेट पे मॉडेम निहाती आवश्यक मॉडेम तो रहा दरकार मॉडेम राउटर निहाती आवश्यक रही आईएसपी दरकार पड़ी आप टेलीफोन लाइन ये तीन टा जाक आम इम्पोर्टेन्ट अटे किंतु वेब कैमेरा सेमती किसी एसेंशियल नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हुई इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर जनक किए बोली से पचार कंप्यूटर जनक एकदम इजी क्वेश्चन आप समस्ते भी जानते तो कंप्यूटर जनक होती चार्ल्स बैबेज चार्ल्स बैबेज ऑप्शन नंबर बी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द शॉर्टकट की टू जंप टू द फर्स्ट लाइन इन द वर्ड डॉक्यूमेंट से कहे तुम वर्ड डॉक्यूमेंट रे किसी काम करुच तुमको फर्स्ट लाइन को जंप करने पड़ो फर्स्ट लाइन को जीवा पड़ो तो हेल्ले कौ शॉर्टकट की यूज करेंगे तो फर्स्ट लाइन को जंप करने को आम कौन करा पड़ो ना आम कंट्रोल प्लस होम क्लिक कले आम फर्स्ट लाइन को चली जावा ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस होम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम इज यूज्ड बाय द यूनिवर्सिटी वेबसाइट से कहे यूनिवर्सिटी वेबसाइट रे आम कौ डोमेन को यूज कौ डोमेन को आम व्यवहार .com .edu .gov .org तो देखो .org ऑर्गेनाइजेशन रे यूज होची .gov गवर्नमेंट रो .com डा आमर कमर्सियल रे .edu होची आमर एजुकेशन ला यूनिवर्सिटी आसुची तो आमर ऑप्शन नंबर बी हेबो करेक्ट आंसर .edu आमर यूज करा जाउची .edu यूज करा जाउची यूनिवर्सिटी रे आ कमर्सियल रे आमर .com लागुची आ गवर्नमेंट रो .gov लागुची आमर .com OSS वेबसाइट देखि OSS OSS.gov.in एटा गवर्नमेंट रो सेते में .gov लागुची गवर्नमेंट और ORG एटा ऑर्गेनाइजेशन रे लागुची तो आप जानगले तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर .edu। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डज स्पिशिंग स्टैंड्स फॉर स्पिशिंग रो फुल फॉर्म कौन से पचार तो सॉफ्टवेयर फिशिंग सिस्टम फिशिंग SM फिशिंग ना वॉइस फिशिंग तो स्पिशिंग स्पिशिंग रो फुल फॉर्म हूँ SMS फिशिंग SMS माध्यम रे फ्रॉड जो होटा कह जाए स्पिशिंग बोली कह जाए आउ फिशिंग रही फिशिंग से फिशिंग जो सेटा होची वॉइस फिशिंग माने वॉइस माध्यम रे आपन कॉल करिवे एमते एमते आपन मानकर आपन स्टेट बैंक रो खाता बंद हो जाई छी आ आपन आधार कार्ड दियो ता नंबर दियो सेटा दियो गोटे पिन गोटे ओटीपी जे से ओटीपी डा को ए सब कहला पर से सब के हमर पैसा खाली कर दो बैंक अकाउंट सेटा को जे वॉइस फिशिंग जहा को शॉर्ट फॉर्म को जे फिशिंग बोली कह जाए आ स्पिशिंग मैंने SMS पठेबे से तुमको SMS माध्यम से क्लिक कर क्लिक कला तुम सब किसी हाक है अकाउंट खाली होटा को SMS फिशिंग कह जाए दुटा जिनस सब मन रखे आई दुटा जिनस दूरे रे SMS फिशिंग आउ वॉइस फिशिंग ए दुटार आप अकाउंट खाली हो तो मन रखे तो ऑप्शन नंबर स्पिशिंग फुल फॉर्म हो SMS फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज रेफर टू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या कंप्यूटर ब्रेन बोली कह जाए से पचार प्रोसेसर राम रोम हार्ड ड्राइव
तो समस्त जानते ब्रेन क्या कहुए कंप्यूटर ना आम सीपीयू को कहुए क्या कहुए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यार अन्य ना हूँ माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू इज अल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर तो आम प्रोसेसर कहींपर ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर प्रोसेसर इज रेफर्ड टू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही राम ऑफ ए कंप्यूटर इज से कह रामा कंप्यूटर कौन अटे एक्सटर्नल मेमोरी ना इंटरनल मेमोरी ना ऑक्सिलरी मेमोरी ना नॉन ऑफ द अबव तो करेक्ट आंसर जो कौन ना रामा हूँ गोटे इंटरनल मेमोरी ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु डिजाइंड द फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC से कह फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किए बनई किए डिजाइन कर वन न्यूमन जोसेफ एम जैकर्ड जे प्रस्पर एकर्ट ना जिमी वेल्स तो किए बनई बनई जे प्रस्पर एकर्ट ऑप्शन नंबर सी हम आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोड वे यूज टू डिलीवर ईमेल से कहे आम ईमेल को ईमेल सेंड कर डिलीवर कर तो से आम क्या मध्यम आम ईमेल पठे पार पोस्टल रे ना कोरियर रे ना कंप्यूटर रे ना फैक्स रे से कहे तो आम ईमेल पठाऊ कौ क्या द्वारा कंप्यूटर मध्यम आम ईमेल पठाऊँ रिसीव कर तो आम सब कम हो ईमेल डेलीवरी करा ड्यूटी कौन थे ना कंप्यूटर मोड कंप्यूटर द्वारा ही पार ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द शॉर्ट नेम फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड से कहे जे आमर जे दे बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक कोड दे आमर तो सेटा तार शॉर्ट फॉर्म कौन से पचार बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड शॉर्ट फॉर्म कौन हम तो करेक्ट आंसर जो कौन ना ऑप्शन नंबर बी बेसिक कौन हम ना बेसिक हम तार फुल तार शॉर्ट फॉर्म बेसिक रो फुल फॉर्म हूँ बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड तो ऑप्शन नंबर सी है बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए डैश इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस से कहे वेब पेज को व्यू करने आम को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को यूज करवा तो वेब पेज को व्यू करने यूज करवा वेब ब्राउजर ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इंटरनेट अलाउज यू टू डैश इंटरनेट कौन 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 आम अनुमति दौर कनेक्ट टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड व्यू वेब पेजेस सेंड इलेक्ट्रॉनिक ईमेल ना ऑल ऑफ द अबव तो इंटरनेट माध्यम हम कौन कौन कर पार ना इंटरनेट आमर ऑल अराउंड वर्ल्ड को आमर कनेक्ट कर पार्टी वर्ल्ड जेको जगार थी आम सहित कनेक्ट हो पार कल कर इंटरनेट माध्यम कनेक्ट हो पार मेल पठे पार्टी व्यू वेब पेज को आम व्यू कर देखी पार्टी वेबसाइट जापर आम मेल पठे पार्टी तो ऑप्शन नंबर डी हेज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव आम करेक्ट आंसर कौन ना ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मेसेज कॉल्ड से कह ईमेल मेसेज जो ईमेल मेसेज जो आसिकी रोचे स्टोर होगी से एरिया कौन कह जाए आमर ईमेल मेसेज गुड़ाक स्टोर हो एरिया से कौन कह जाए डायरेक्टरी हार्ड डिस्क मेल बॉक्स ना फोल्डर तो आमर ईमेल मेसेज गुड़ाक जो स्टोर से एरिया को कहुए कौन ना मेल बॉक्स बोली कहुए मेल बॉक्स आम जहाँ किसी मेल आम से देखिपर से स्टोर होने कहुए ना मेल बॉक्स बोली कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्टेनिंग टू ईमेल से कह कौटा गोटे ईमेल संपर्कित नुहे कौटा या भितर कौटा गोटे ईमेल संपर्कित नुहे रिसीवर सेंडर इनबॉक्स और पावर पॉइंट तो देखो ईमेल रे आमर रिसीवर अच्छी रिसीव करें किए मेल कले सेंडर आम क्या पठाऊँ सेंडर ऑप्शन रोचे आउ इनबॉक्स रोचे इनबॉक्स रोचे आउ मेल बॉक्स रोचे ये सब रोचे किंतु पावर पॉइंट सेमती किसी आमर टर्म ईमेल रे ना ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक आंसर पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड इंट्रानेट से कहे इंटरनेट आउ इंट्रानेट ए भितर कौन डिफरेन्स रही कौन फरक रही अलग कौन रही वन कैन बी मॉनिटर्ड द अदर कांट वन इज सेफर देन अदर वन इज पब्लिक एंड अदर इज प्राइवेट नन ऑफ दिज
तो देखो इंटरनेट हूँ कौन ना पब्लिक इंटरनेट आम यूज कर पब्लिक मैंने समस्त यूज कर इंटरनेट इंटरनेट हूँ पब्लिक मैंने समस्त आम यूज कर समस्त आम एक्से इंटरनेट हूँ प्राइवेट कहीं ये केवल गोटे गोटे स्पेसीफिक जिनस यूज कर इंटरनेट आप देखते SBI आम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो कौन सी ब्रांच अच्छी से कौन यूज कर इंटरनेट यूज कर स्पेसीफिक से SBI रो कर्मचारी जो SBI ऑर्गेनाइजेशन ताइटा बनई से यूज करेंगे आउ कहीं यूज करेंगे ना से प्राइवेट अटे कहीं से प्राइवेट रखि से केवल SBI ही से यूज कर तो सेटा कौन कहुए ना इंटरनेट हूँ प्राइवेट आमर इंटरनेट हूँ पब्लिक इंटरनेट समस्त यूज करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यूज करेक्ट आंसर वन इज पब्लिक एंड अदर इज प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही दि डैश एनेबल्स यू टू साइमल्टेनियसली कीप मल्टीपल वेब पेजेस ओपन इन वन ब्राउजर विंडोज से कहे कौ टा आमे एनेबल कले कौटा एनेबल कले आम एककालीन साइमल्टेनियसली मैंने एककालीन गोटे समय रे आमे ब्राउजर विंडो रे विंडो ब्राउजर विंडो रे एक समय रे गोटे समय रे आमे बहुत गुड़ा वेब पेज को ओपन कर पारिबा कहाँ माध्यम रे तो करेक्ट आंसर होची एड्रेस बार आम एड्रेस बार को जदि एनेबल कर देबा ब्राउजर विंडो रे ताहाले आमे गोटे समय रे आमे बहुत गुड़ा वेब पेज को ओपन कर पारिबा एक समय बहुत गुड़ा वेब पेज को आम ओपन करमें ना एड्रेस बार मध्यम ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर एड्रेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स इंस्टेड ऑफ केबल फॉर कनेक्टिंग डिवाइस इन लैन से कह लैन को कनेक्ट करने आम हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव को यूज न करी आम यूज करबल बदल आम यूज करवा केबल बदल रे आमे हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव यूज करके आमे लान को आमे लोकल एरिया नेटवर्क आमे कनेक्ट करिबा तो सेटा कौन कहुए ना आमर वायरलेस लान बोली कहुए केबल आमे विथआउट केबल केबल बदल रे आमे यूज करिबा तो सेटा कौन वायरलेस लान बोली कहुए वायरलेस लान बोली कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट मोर नंबर ऑफ लान्स से कह एकु अधिक अधिक गुड़ाए लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने को डिवाइस व्यवहार करवा अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने कौन करवा कौन व्यवहार करवा ना राउटर यूज कर पारिबा राउटर ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी या भितर कौटा गोटे कंप्यूटर मेमोरी नुहे से कही कंप्यूटर मेमोरी कौटा नुहे से पचार करेक्ट आंसर देखते राम CPU रोम कैच तो कौटा कंप्यूटर मेमोरी नुहे कंप्यूटर मेमोरी हूँ राम रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम रिडेल मेमोरी रीड ओनली मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी कैच मेमोरी तीन टा जाक मेमोरी होगा तो CPU गोटे मेमोरी नुहे ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर CPU इज नॉट ए टाइप ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज से कहे प्रथम कंप्यूटर वायरस रो ना कौन प्रथम कंप्यूटर वायरस 1971 डेवलप करते थोमास बोब तो ना कौन से पचार तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस रो ना हूँ क्रिपर फर्स्ट कंप्यूटर वायरस रो ना हूँ क्रिपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टर्म साटा इज यूज्ड द हार्ड डिस्क टेक्नोलोजी स्टैंड्स फॉर से कहे आम हार्ड डिस्क टेक्नोलोजी रे साटा को यूज करा जाउछ साटा टर्म यूज करा जाउछ तो साटार फुल फॉर्म कौन से पचारिछि साटार फुल फॉर्म कौन हम से पचारिछि तो साटार फुल फॉर्म हो कौन ना सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलोजी अटैचमेंट सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलोजी अटैचमेंट ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डज EEPROM मीन से कहे EEPROM रो फुल फॉर्म कौन बोली से पचार तो चारिटा ऑप्शन देखिए आपर इलेक्ट्रिकल एनेबल्ड प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी और एफिशिएंटली इरेज प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी तो EEPROM रो फुल फॉर्म कौन हम ना E फॉर इलेक्ट्रिकल E फॉर इरेजेबल P फॉर प्रोग्राम R फॉर रीड O फॉर ओनली M फॉर मेमोरी तो आम ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन नंबर बी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डैश अलाउज यू टू क्रिएट स्टैंडर्ड कैलकुलेशन फॉर्मेटिंग एंड चार्ट्स वेरी क्विकली से कहे
कहाँ माध्यम रे को टूल रो माध्यम रे आमे अति शीघ्र आम स्टैंडर्ड कैलकुलेशन क्रिएट करि परबा फॉर्मेटिंग करि परबा आउ चार्ट मध्ये करि परबा चार्ट मध्ये बनै परबा क्विकली बनैबा कहाँ माध्यम रे तो आमर क्विकली बनैबा कहि छी तो वेरी क्विकली तो क्विक एनालिसिस टूल माध्यम रे क्विक एनालिसिस टूल माध्यम रे आमे क्विकली आम स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करि परबा फॉर्मेटिंग क्रिएट करि परि बनै परबा चार्ट्स बनै परबा ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर क्विक एनालिसिस टूल। तो फ्रेंड्स ये थी आप टोटल 50 क्वेश्चन आप 50 रु के मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनइबे जदि भिडियो भल लगुच्छे तो निहत गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिकार अधिक मात्रा रे कृपया सांगसाथी मानक निहाती भावे शेयर करेंगे आउ जो मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल को निहत सब्सक्राइब करूँ और ऑल बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाद्वारा आपण मैंने समस्त भिडियोर नोटिफिकेशन पाइपर। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।